हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रिया राज ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि आपको आने वाले ब्यूटीफुल से वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, आज हमारे घर के बगल में जो मंदिर है, मैं कई बार आपको बताती रहती हूँ, तो वहाँ पे माता की डोली आने वाली है। और माता की डोली, आप में से जो पहाड़ से होंगे वो तो शायद जानते ही होंगे, और कुछ लोग शायद फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे। तो मैं भी वैसे फर्स्ट टाइम देखने वाली हूँ, सुना बहुत है। तो आज चलते हैं, माता के दर्शन करते हैं, आप लोगों को भी करवाते हैं। और मैंने सुना है कि वैसे उसमें उत्तराखंड के फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर मंत्री प्रसाद नैथानी जी भी आ रहे हैं, जो कि उसके संयोजक हैं। तो उनसे भी मिलेंगे, मिलवाएंगे आप लोगों को, और करते हैं माता की डोली के दर्शन। ये माता की डोली आप पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे काफी खास लोग भी आए हुए हैं जिनकी वजह से प्रोग्राम हो पाया है। पूरे 11 जिले मतलब 13 जिलों में घूमेगी, 30 दिन की यात्रा है। अच्छा, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। और शुरू हुई थी कब? ये हुई शुरू आपकी 10 तारीख को, वहाँ से चली बिसून पर्वत से। 10 मई को चली, 11 मई को ऋषिकेश में, और 10 मई को ऋषिकेश रात में, और 11 को हरिद्वार में, और आज देहरादून में, और 10 जून तक ही चलेगी ना? तो ये 9 जून को समाप्त हो जाए गंगा दशहरे पे। और नाम क्या है? श्यामलाल धन्यलाल। हाँ जी, ये बाजीगर है हमारे ना, ये परमानेंट। हर साल जाते हैं? हर साल जाते हैं। अच्छा। मंत्री प्रसाद नैथानी, अच्छा, संयोजक इस कार्यक्रम के, वो रूप सिंह बजाला जी, हाँ जी, अध्यक्ष हैं, और ये ललिता प्रसाद जी कोषाध्यक्ष, और बाकी सारे उनके साथी हैं, सभी के पास कुछ न कुछ पद है। अच्छा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मतलब बहुत ही बड़ी बात है, मेरे को तो बहुत खुशी हो रही है कि मैंने लाइफ में पहली बार ये माता की डोली, आप पीछे देख रहे हैं, ये हमारे एमडीडी कॉलोनी डालनवाला देहरादून में है। तो यहाँ पर मंदिर है, और यहाँ पे काफ़ी खास लोग भी आए हुए हैं जिनकी वजह से प्रोग्राम हो पाया है। तो उन्हीं से जान लेते हैं कि ये क्या है, कब होता है, क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है, कितने दिन चलता है, तो हम सर से ही जान लेते हैं। सर, आप अपना शुभ नाम बताएंगे प्लीज़। मुझे मंत्री प्रसाद नैथानी कहते हैं जी, प्रदेश में शिक्षा मंत्री। और ये जो यात्रा है, ये इस बार 23वीं बार उत्तराखंड भ्रमण पर निकली। अच्छा, 23वीं बार। और यहाँ पर इस यात्रा का जो मकसद है, ये विश्वनाथ जगदीश शिला डोली यात्रा है। अच्छा, ये विश्वनाथ जगदीश शिला डोली जो है वो बिसोन पर्वत से चलती है। बिसोन पर्वत टेहरी गढ़वाल के 11 गांव हिंदाव में पड़ता है। हाँ जी। जहाँ पर गुरु वशिष्ठ जी ने तप किया, जिनको वहाँ पर ईश्वर के दर्शन प्राप्त हुए, और उसके बाद स्वामी राम तीर्थ जो व्यवहारिक वेदांत के धनी हुए, उन्होंने वहाँ पर तपस्या की, उनको वहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ। अच्छा। उसके बाद जो है ये डोली लगातार चलती है 23वीं बार। इसका जो मुख्य उद्देश्य है विश्व शांति की कामना है, और जो देव संस्कृति है, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले हैं, किसी भी पंथ के हैं, वो लोग अपनी देव संस्कृति को जिंदा रखें। धर्म आपस में लड़वाता नहीं है, धर्म जोड़ने का काम करता है। तो ये देव संस्कृति जिंदा रहे। तीसरी बात यह है कि जो उत्तराखंड में हमारी धरती को, उत्तराखंड की भूमि को देव भूमि कहा गया,
यहाँ पर 33 करोड़ देवता वास करते हैं और उस आधार पे यहाँ पर जो चार धाम विश्व प्रसिद्ध हैं यमुनोत्री गंगोत्री केदार बद्री, उसके अलावा बहुत सारी शक्तिपीठ हैं यहाँ पर जिनका की वर्णन वेद और पुराणों में है, ग्रंथों में है, लेकिन उनके बारे में लोग नहीं जानते। तो उत्तराखंड में 10,000 धामों के बनाने का संकल्प इस यात्रा का है और साथ ही संस्कृत भाषा का उन्नयन हो। संस्कृत सारी भाषाओं की जननी है, संस्कृत भाषा के 1,000 धाम बनेंगे, 1,000 संस्कृत के विद्यालय वहाँ पर बनेंगे और 1,000 ध्यान केंद्र बनेंगे। उत्तराखंड ऋषि मुनियों की तपस्थली रहा है, तो पूरे विश्व में ऐसा कहीं नहीं है जैसा कि हमारे उत्तराखंड में। शांति है और बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने यहाँ पे तप किया है, साधना की है और मोक्ष प्राप्त किया है। तो ये इस यात्रा का मकसद है। ये इस बार 23वीं साल की यात्रा में प्रवेश कर रही है, कल से शुरू हुई है और पूरे उत्तराखंड के आपके 165 देवालय में ये जाएगी और वहाँ पर 10,500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और सोन पर्वत गंगा दशहरा के दिन वहाँ पहुँचेगी, वहाँ पर गंगा स्नान करके फिर समापन हो जाएगा यात्रा का। इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि हमारी जो देव संस्कृति वो जिंदा रहे, विश्व में शांति कायम हो। ये पहली यात्रा है विश्व की, ये विशुद्ध रूप से देव यात्रा है, इसमें देवताओं का वर्ण होता है चाहे वो किसी भी पंथ के हैं। तो ये देव यात्रा पूरे विश्व में शांति के लिए निकलती है ताकि विश्व में शांति रहे, सद्भाव रहे और लोगों जो हमारी सभ्यता और संस्कृति को जीता। तो आपका हम कितना शुक्रिया अदा करें, कितना धन्यवाद करें, वो भी कम है। तो देखिए दोस्तों, आपके साथ साथ मुझे भी आज कितनी जानकारी मिली इस चीज़ की कि ये क्यों होता है, कब होता है। तो सर की वजह से देखिए हम सबको मतलब ये खुशकिस्मती हमारी कि हम दर्शन कर पा रहे हैं और इन चीज़ों के बारे में जान पा रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू सर। लोगों को विश्वनाथ जल्दी शिला के शिक्षा मंत्री उत्तराखंड मंत्री प्रसाद आ रहे हैं। इस यात्रा का जो विशुद्ध रूप से यात्रा चला रही है 30 दिन की, इसलिए 10 तारीख जल्दी शिला की जय। पुराने स्थानों को छोड़ दिया उसने, अब नए स्थानों पर जाएगी ताकि 1,000 धामों का बोलो विश्वनाथ भगवान की जय।